नगर निगम प्रांगण के अंदर हमने ये निर्णय लिया है कि महापौर मैडम को ज्ञापन देकर 7 दिन के भीतर अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं, 180 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देते हैं, तो हम 7 दिन के अंदर भूख हड़ताल, आमरण अनशन और अजमेर की सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की रहेगी। वर्ष 2012 में चयनित 182 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर आयुक्त और महापौर को सौंपा ज्ञापन। वाल्मीकि संगठनों व नगर निगम की तीनों स्थायी यूनियनों द्वारा आंदोलन की दी गई चेतावनी। वर्ष 2012 में चयनित 182 सफाई कर्मचारियों को आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं देने से आक्रोशित वाल्मीकि समाज व संगठन सहित नगर निगम की तीनों स्थायी सफाई यूनियनों द्वारा मंगलवार को नगर निगम परिसर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि नगर निगम अजमेर द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को यदि नियुक्ति नहीं दी गई तो नगर निगम की तीनों स्थायी यूनियनों सहित वाल्मीकि समाज आंदोलन पर उतारू होगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 7 दिन में 182 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो वाल्मीकि समाज आंदोलन के लिए स्वतंत्र है। इस मौके पर अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष सूरज कलोसिया, सफाई कर्मचारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयर, नौरत्मल ढेंडवाल, राजेश ढेंडवाल, ओम प्रकाश चौहान, ऋषि घारू, श्यामलाल डंगोरिया, सत्यनारायण लखन, अशोक टांग सहित वाल्मीकि समाज और संगठन के कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आज नगर निगम प्रांगण के अंदर तीनों स्थायी यूनियन और बाहर के जो भी सामाजिक संगठन है, उन सब ने ये निर्णय लिया है कि वर्ष 2012 में पात्र पाए गए 180 अभ्यर्थियों की जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय ने वर्ष 2018 में इनको नियुक्ति देने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन नगर निगम अजमेर और DLP प्रशासन इनको नियुक्ति नहीं दे रहा है, जिसके विरोध में आज नगर निगम प्रांगण के अंदर हमने ये निर्णय लिया है कि महापौर मैडम को ज्ञापन देकर 7 दिन के भीतर अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं, 180 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देते हैं, तो हम 7 दिन के अंदर भूख हड़ताल, आमरण अनशन और अजमेर की सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की रहेगी। कौन कौन सी यूनियन साथ में आपको? अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, कामगार यूनियन और अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस और बाहर के तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सभी हमारे साथ हैं और समस्त मजदूर संघ हमारे साथ में। देखिए, आज हमने नगर निगम अजमेर प्रांगण के अंदर संपूर्ण अजमेर शहर के वाल्मीकि समाज के अन्य जितने भी संगठन हैं, वह संगठन वे नगर निगम अजमेर के तीनों स्थायी यूनियन के पदाधिकारीगण, हम सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि जो 2012 में निलंबित पात्र जो सफाई कर्मचारियों का जो था निलंबित, ये जो चल रहा केस, इसके ऊपर जो वार्ता हमने की है कि 182 को जल्द से जल्द अजमेर नगर निगम इनको नौकरी पे चढ़ाया जाए, अन्यथा नगर निगम की स्थायी तीनों यूनियन वह बाहर के वाल्मीकि समाज के जितने भी संगठन हैं वे संगठन हम सभी मिलकर नगर निगम के अंदर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, काम रोको हड़ताल, ये सभी हम करेंगे, जिसका हम 7 दिन का नगर निगम प्रशासन को नोटिस दे रहे हैं, जिसमें हम हमारे सूरज जी कलोशिया जी भी यहाँ हैं, हमारे नौरत्मल जी ढेंडवाल जी भी यहाँ मौजूद है, राजेश जी ढेंडवाल जी भी यहाँ मौजूद है, ओम प्रकाश चौहान है, ऋषि जी गारू है, श्यामलाल जी डांगोरिया साहब यहाँ हैं, श्याम और सत्यनारायण जी लखन है, अशोक जी टांक साहब है, वे अन्य सभी लोग यहाँ वाल्मीकि समाज के भी मुख्य लोग यहाँ मौजूद है और मैं खुद भी यहाँ मौजूद हूँ और मैं खुद भी आह्वान कर रहा हूँ कि अगर हमारी ये मांगे 7 दिन में नोटिस देने के बाद अगर नहीं पूरी की गई तो निश्चित रूप से हम सफाई व्यवस्था ठप करेंगे।